सो गाइस, जिस वक्त एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है, आपको मैं बता दूं कि पद्म विभूषण से सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके निधन की जो है जानकारी दी है। वही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने घोषणा करते हुए कहा कि बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का निधन हुआ है और उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं राहुल बजाज के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। उद्योगपति राहुल बजाज का आज दोपहर 2:30 बजे पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में निधन हुआ है। वहीं रूबी हॉल क्लिनिक के चेयरमैन डॉक्टर परवेज ग्रांट ने बताया कि उनका पिछले एक महीने से हार्ट और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं का इलाज चल रहा था, जिसके बाद उनका ये निधन हुआ है। उनका अंतिम संस्कार रविवार को किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निधन के बाद शोक व्यक्त किया है। वहीं आपको बता दें कि 10 जून 1938 को जन्मे राहुल बजाज ने 40 से ज्यादा बजाज ग्रुप के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। राहुल बजाज ने पिछले साल अप्रैल में बजाज ऑटो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2001 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बजाज ने राज्यसभा सांसद के रूप में काम भी किया हुआ है, जिसके बाद अब ये खबर निकल के आ रही है कि जो राहुल बजाज है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी दोस्तों, राहुल बजाज के निधन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।